अगर आप यूमो का इस्तेमाल करते हैं तो यूमो का ये पांच खतरनाक सेटिंग अभी आपको ऑन कर देना चाहिए, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो सोनम मंडल का हुआ है, जो टिकटॉक स्टार थी उसका प्राइवेट फोटो यूमो के जरिए लीक हुआ है क्योंकि उसने इस सेटिंग को ऑन करके नहीं रखा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और किस तरह से हैकर से बच सकते हैं, किस तरह से फ्रॉड से बच सकते हैं ताकि आपका प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से और भी लोग इमो के इस फीचर के बारे में जान सकते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल डिस्प्ले पे, तो सबसे पहले आप अपने इमो को ओपन करें। इमो को ओपन करेंगे उसके बाद जो सेटिंग है इस वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा उसी का पूरा मुकम्मल सेट हो पाएगा, नहीं तो आप आधा वीडियो छोड़ कर जाएंगे फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो फुल वीडियो देखा करें और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग सिक्योरिटी प्राइवेसी, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा क्योंकि ये पहले ऑप्शन नहीं दिया गया था लेकिन अब दिया गया है। तो काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा टाइम मशीन, इसको इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर चैट, इसको भी इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक शेयर डाउनलोड कॉपी, यानी आपका कोई भी पोस्ट कोई शेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर कॉल्स, यानी किसी के साथ आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो कोई भी बात कर रहे हैं, अगर वो चाहेगा कि उस लड़की का हम फोटो ले लें स्क्रीनशॉट, जिस तरह से उसका फोटो लीक हुआ है स्क्रीनशॉट लिया गया था, अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो नहीं ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर प्रोफाइल, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके प्रोफाइल का कोई भी फोटो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इनेबल करके, तो इसे हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाया गया है, अगर आप उसके साथ जो भी बात किए हैं फोटो चैट या जो भी चीज़, अगर आपको डर है कि मेरा ये फोटो चैट या जो भी मैं लिख कर भेजी हूँ वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर या वो मुझे सेव करके ब्लैकमेल कर सकता है, तो यहाँ पे इसे इनेबल करके डायरेक्ट एक साथ में उसे डिलीट करेंगे तो उसके इधर से भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे तो उधर से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह का सेटिंग आप यहाँ से इनेबल कर दें। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे इनेबल करें, उसके बाद यहाँ पे इसे इनेबल कर दें ताकि आप किसी को फोटो या वीडियो भेजेंगे वो डायरेक्ट यहाँ से शेयर नहीं कर सकता है, किसी और ईमो पे या किसी और के यहाँ वो शेयर नहीं कर सकता है। तो हम इसे भी ऑन कर दिए हैं। उसके बाद वापस आते हैं, वापस आने के बाद जो मेन सेटिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो मेन सेटिंग है यहाँ पे वो भी मैं आपके साथ दिखा देता हूँ करके। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर कॉल्स, इसे इनेबल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो कॉल यहाँ पे चल रहा है, कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन आप इसे ऑन कर देंगे किसी से भी आप बात करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है, तो इसको भी ऑन कर दे। उसके बाद वापस आते, वापस आने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर प्रोफाइल, इसे भी इनेबल कर दे ताकि आपके जो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी अपने मर्जी से आप कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं, गलती से भी लग जाता है तो फौरन उधर कोई देखता है यार इसने तो गलत फोटो लगा दिया या इसका फोटो मुझे चाहिए, तो फौरन वो क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लेता है, ये काम वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ से इसे ऑन कर दे, ऑन कर देंगे तो नहीं कर सकता। उसके बाद वापस आते हैं, वापस आने के बाद थोड़ा और देखते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे फौरन आप देख सकते हैं पासकोड लॉक, आप यहाँ पे क्लिक करके पासकोड लॉक लगा दें ताकि आपके ईमो के साथ कोई छेड़खानी न करे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एवरीवन, यानी आपको कोई भी कॉल कर सकता है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है माय कॉन्टैक्ट्स, आप जिसको सेव करेंगे वही इंसान आपको कॉल कर सकता है, कोई फालतू आदमी आपका नंबर सेव करके कॉल नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप पे क्लिक करके आप अगर एवरीवन पे रखें तो माय कॉन्टैक्ट्स पे कर दे, या कोई नहीं कर सकता है तो नोबडी पे क्लिक कर दे। जैसा कि मैनेज डिवाइस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इमो किसने हैक किया है, यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा किस किस मोबाइल में चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे चैट एंड कॉल प्राइवेसी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्पेयरिंग मैसेज, यहाँ पे क्लिक कर दे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये भी क्लोज है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी से बात करें वो ज़्यादा दिन तक ऑटोमेटिक ना रहे यानी डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे वन डे या 7 दिन के लिए या 30 दिन के लिए
क्लिक कर सकते हैं कि 7 दिन के अंदर में हमने जिसके साथ जो भी बात किया है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो इस सेटिंग को लाजमी ऑन कर दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।